हेलो दोस्तों, लाइफ हॉस्टलेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्नी चाओ 100 शो के कास्ट के रियल नेम या उनके रियल एज के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 13 विशाल पुरी, ये शो में हेमंत का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म सन 1975 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 47 वर्ष है। नंबर 12 प्रिया अरोरा, ये शो में वृंदा का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म सन 1985 ईस्वी को हुआ था। अभी इनकी उम्र 37 वर्ष है। नंबर 11 राजेंद्र चावला, ये शो में देवराज का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1967 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 55 वर्ष है। नंबर 10 पलक अग्रवाल, ये शो में मायरा का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म सन 2004 ईस्वी को हुआ था। अभी इनकी उम्र 18 वर्ष है। नंबर 9 हर्ष वैश्यनाथ, ये शो में वीर का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म 24 जुलाई 1976 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 46 वर्ष है। नंबर 8 पायल गुप्ता, ये शो में चार्मी का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 12 मई 1996 ईस्वी को हुआ था। अभी इनकी उम्र 16 वर्ष है। नंबर 7 मानुषी सेन गुप्ता, ये शो में अंचल का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म सन 1988 ईस्वी को हुआ था। अभी इनकी उम्र 34 वर्ष है। नंबर 6 प्रविष्ट मिश्रा, ये शो में युवान का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 24 वर्ष है। नंबर 5 रिया शर्मा, ये शो में तुलिका का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। अभी इनकी उम्र 24 वर्ष है। नंबर 4 अजीत तनेजा, ये शो में अगस्तिया का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म 10 नवंबर 1992 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 30 वर्ष है। नंबर 3 उल्का गुप्ता, ये शो में बन्नी का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 12 अप्रैल 1997 ईस्वी को हुआ था। अभी इनकी उम्र 26 वर्ष है। नंबर 2 आयुष आनंद, ये शो में विराज का किरदार निभा रहे हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1989 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र 33 वर्ष है। नंबर 1 पार्वती सहगल, ये शो में मानिनी का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जन्म 23 अगस्त 1990 ईस्वी को हुआ था। अभी इनकी उम्र 32 वर्ष है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।